नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बनाएंगे आटे के बेकरी बिस्किट्स बहुत ही सरल तरीके से रोटी मेकर में। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं आटे के हेल्दी बिस्किट्स, आटे और सूजी के। सबसे पहले एक बाउल यानी 100 ग्राम गेहूं का आटा लेंगे। यहाँ पे मैंने 60 ग्राम पीसी हुई चीनी शुगर पाउडर लिया है, 60 ग्राम बटर लिया है, सॉल्टेड बटर, इसको थोड़ा सा चिल्ड कर लेते हैं, और थोड़ी सी सूजी है, और आधा चम्मच बेकिंग सोडा, एक चम्मच बेकिंग पाउडर। और इसके साथ ही हम लेंगे जो मोस्टली है वो है हमारा मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से ये आपके बिस्किट्स वाइट तो बनेंगे ही, बहुत ही टेस्टी भी बनेंगे। साथ ही में लेंगे हम इलायची पाउडर और एक बड़ा चम्मच दूध, साथ में वनीला एसेंस भी। वनीला एसेंस आप चाहे तो डालें, नहीं तो इलायची पाउडर है तो वनीला एसेंस की ज़रूरत नहीं होगी। तो वो आप अपने, आपके पास जो भी हो, वनीला एसेंस हो तो वो डाल सकते हैं, और इलायची पाउडर तो हर जगह मिल ही जाता है। सबसे पहले जो मेल्टेड घी है वो लेंगे, और इसको थोड़ा सा चिल्ड कर लिया मैंने फ्रिज के अंदर। और उसके बाद हम इसके अंदर जो अपना शुगर पाउडर है वो मिलाएंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे स्पून की हेल्प से, जब तक कि जैसे ये अभी क्रीम कलर का है तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए, यानी कि वाइट हो जाना चाहिए। तो इस तरह से मैं इसे लगभग 2 मिनट तक इसी तरह से व्हिप करूँगी, तो ये बिल्कुल इसकी जो आप कलर देख रहे हो चेंज हो रहा है, बिल्कुल वाइट हो जाएगा, जैसे क्रीम होता है क्रीमी टाइप में, बिल्कुल फ्लफी हो जाएगा। और जब इस कंडीशन में हमारा जो बटर हो जाता है तो हम इसके अंदर डालेंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस आपके पास है तो डालो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। इसके अंदर इलायची पाउडर डाल रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं है, उसको स्किप कर सकते हैं। इलायची पाउडर और ये है मिल्क पाउडर, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसके अंदर पहले। अच्छी तरह से 1 मिनट में मिक्स करने के बाद आप इसमें जितना दूध डालना चाहते हो, जैसे मैंने एक छोटा चम्मच डाला है, एक छोटा चम्मच मैं बाद में भी डालूँगी जब हमारा बैटर जो सूखा लगेगा, तो पहले मैंने एक छोटा चम्मच डाल दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स भी कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे धीरे धीरे करके जो आटा है अपना गेहूं का, वो डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और एक अच्छा सा डो तैयार करना है। जैसे हमारे फलके का डो होता है ना, रोटी का डो होता है, वैसे हमें इसका एक अच्छा सा डो तैयार करना है। जो रोटी का डो होता है वो थोड़ा सा गीला होता है, इसको हमें थोड़ा सा हार्ड रखना है, तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे और इसको डो बना लेंगे अच्छे से। तो ये डाल दिया मैंने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, एक चम्मच बेकिंग पाउडर, सभी को हाथ से मिलाएंगे अब हम। और अगर मिश्रण थोड़ा सा सूखा लगे तो अब हम इसके अंदर एक चम्मच दूध डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा सूखा है, मैं दूध डाल करके इसको थोड़ा सा गीला कर लेती हूँ। अब देखिए अब ये अच्छे से बनने लगा है, तो आपको भी अगर लगे कि यह नहीं बन रहा है तो आप उसमें थोड़ी सी दूध की मात्रा मिला लीजिए। इस तरह से पहले लोई करेंगे, लोई करने के बाद हाथ से थोड़ी सी इसको चपटा करेंगे, चपटा करने के बाद फिर कॉर्नर सही कर लेंगे, और फिर जो हमारा किचन का बैकग्राउंड है उस पर रखेंगे, और इसका जो भी शेप देना है वो हम शेप लगाएंगे। तो शेप तो आप चाहे जितने जो भी आपको पसंद आए ना वो शेप आप लगा सकते हो। मैं आपको चक्कू से एक अच्छा सा शेप बता रही हूँ, 2 स्टेप 3 स्टेप, और ये 4 साइड, और ये 5th साइड और 6th साइड से इस तरह से आप कॉर्नर बना लीजिए। तो ये एक अलग स्क्वायर में और बिस्किट्स का शेप हो जाएगा, और ये बिस्किट्स इस तरह के शेप में बहुत अच्छे बेक भी होंगे और अच्छे भी लगेंगे। जब हम चाय के साथ इन्हें सर्व करेंगे गेस्ट के आगे तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से देखिए इसका जो शेप है, लुक है, वो तैयार है। अब हम इसके बीच के अंदर अगर आपके पास किसी प्रकार का जो स्ट्रॉबेरी
जेम है तो वो लगा सकते हैं, अगर कोई भी आपके पास जेम हो तो वो आप लगा सकते हैं। तो जेम लगाने से पहले थोड़ा सा इसको रफ़ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऊपर सूजी लगाई है ताकि जब ये बेक हो ना तो इसका जो कलर ऊपर में इसके दाने दाने से लगे, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सूजी लगा दी है ऊपर में सूजी के दाने, और बीच का जो इसका सेंटर है वहाँ पे हम थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी जैम लगा देते हैं। तो ये मैंने यहाँ सभी पे जैम लगा दिया और हमारे जो बिस्किट्स है वो तैयार हैं। एक प्लेट के अंदर एल्यूमिनियम की वो फॉइल पेपर लगा दिया है और उसके अंदर मैंने अपने जो बिस्किट्स है वो रख दिए हैं। अब हम इस रोटी मेकर पे बेक करेंगे। देखिए रोटी मेकर की लाइट तो ऑन कर दिया है और इस ये हीट भी हो गया है, हीट चेक कर ले पहले। तो ये गर्म हो गया है अच्छी तरह से। तो अब हम इसके ऊपर अपने जो बिस्किट्स है वो रख देंगे और इनको कवर कर देंगे, ढक्कन लगा दीजिए ताकि ये ऊपर नीचे से अच्छे से एक जैसे बेक हों। आप एक मिनट गैस ऑन लाइट ऑन करने के बाद एक मिनट आप इसको ऑफ़ कर दें, फिर एक मिनट ऑन करें, फिर एक मिनट ऑफ़ करें। इस तरह से आपको खड़े रह करके 10 मिनट तक इसको बेक करना होता है। थोड़ी देर के लिए हीट दें, फिर हीट को रोक दें, हीट दें, फिर हीट को रोक दें। इस तरह से मैंने 10 मिनट तक इनको बेक कर लिया और अब ये बिल्कुल तैयार हैं। 2 घंटे बाद ठंडे होने के बाद अब आप देख सकते हैं, मैं आपको इसको तोड़ करके दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छे बेक हुए हैं हमारे बिस्किट्स और बहुत ही अच्छे बने भी हैं। तो ये देखिए ठंडे होने के बाद इनकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होगी, बिल्कुल हल्के हल्के और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं हमारे बिस्किट्स। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।